जिन्हें हमारे दादाजी जो बहुत दूर से चल के आए हैं सारी रात कीर्तन गा के और हमारे रंगमंच पर पधारे हैं, हम उनका हृदय से स्वागत वंदन कर रहे हैं और संगे निवेदन भी है दादाजी से कि ये कार्यक्रम द्वितीय साल हो रहा है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, पूजनीय पटेरिया जी की पुण्यतिथि रहती है, आपसे भी अर्जी है कि हर साल कृपा करी जाए, अगर आपका कहीं कार्यक्रम ना हो तो यहाँ जरूर पधारना है। सभी कलाकारों से मैं चरणों में ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको ये तिथि ये तारीख याद रखना है। सुने दादाजी को। हेलो, ये विनय पटेरिया की राशि आप स्वीकार करें, 100 रुपया। आज हमारा ये परम सौभाग्य हुआ कि मुझे भी इस पुण्यतिथि में हाजिरी लगाने का मौका मिल गया। और परब्रह्म परमात्मा जो चाहता है वही होता है। पिछले वर्ष सूचना थी लेकिन व्यस्तता थी, आज भी व्यस्तता है, लेकिन कार्यक्रम इस समय से समाप्त हो गया नगर पालिका का, तो मैंने कहा अब तो हाजिरी लगेगी लगेगी। जय हो गुरु महाराज की। बुंदेली जगत के नागर चले गए, सोनकिया जी ढोलक की संगति पे पहुंचने की कृपा करें। सोनकिया जी स्वागत है। बदली जगत के नाहर चले गए, लगता है कई रोज को बाहर चले गए। जय हो जय हो जय हो सरकार जय हो। सभी श्रोता बंधु आगे आ जाएं, थोड़ी सी विनती है हमारी सबसे कि आप लोग जो दूर दरार में बैठे हैं सभी लोग पास में आ जाएं तो अच्छा लगेगा, हमारे दादाजी का भी मन लगेगा गाने में। और हमारे दादाजी का भी मन जीत लिया है बांसुरी वादक जी मिश्र जी ने, और मिश्र जी ने दादाजी ने अपने अलाप के साथ पुरस्कार 100 रुपए की भेंट की है। श्रद्धांजलि सभी की तरफ से सादर समर्पित हुई है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि पूजनीय दादा के इस श्रद्धांजलि समारोह में आज मुझे भी हाजिरी लगाने का मौका मिला है।
मैं बाल्यावस्था में था पहली मुलाकात में। दादाजी ने मुझसे सवाल किया, तू क्या गाता है? मैंने कहा था मैं तो कुछ नहीं गाता हूं, सीख रहा हूं। और जब जब मैं छतरपुर आया हूं तो दर्शन जरूर मुझको मिला है, ये उनकी कृपा है। और आज इस बात का प्रमाण है कि अगर आपने बोया न होता तो पूरा कलाकार परिवार इकट्ठा ना हो पाता। दो पंक्ति है और इसके बाद एक छोटा सा गीत अपनी तरफ से हम आपको सुना देंगे। क्योंकि कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करवाया जा रहा है। तो मैं कह रहा था बोले नाहर चले गए लगता है कई रोज को बाहर चले गए लगता है कई रोज को बाहर चले गए। जाना सभी को है, कोई आज जा रहा है तो कोई कल जा रहा है, लेकिन कोई कोई बहुत परेशान करता है जाने के बाद भी। तो मैं एक छोटी सी रचना प्रातःकालीन बेला में पढ़ रहा हूं और इस दो लाइनों के साथ ये 101 पत्तमदराय हमारे श्री राम कुमार जी प्रजापति, आप लोकगीत गायक हैं और पूजनी दादाजी के सेवक हैं, आपकी तरफ से 101 पत्तमदराय हैं। चार लाइनें पेश करता हूं आदरणीय बड़े भाई तिवारी जी। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से और नित्य प्रतिरोधे एक दिन ऐसा आएगा और मैं रो दूंगी तो आपका वादन सुन के आत्मा इतनी खुश हुई है। ऐसे आर्टिस्टों का दर्शन बहुत कम मिलता है। दुकान तो हर आदमी खोल लेता है लेकिन दुकान चलाने का जो तरीका है वो हर आदमी को नहीं मालूम। इतनी बेहतरीन संगति आपकी है कि हम और तिवारी भैया बात कर रहे थे कि ये तो कलाकार बिल्कुल अजूबा देखा है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो मैं कह रहा हूं कि तू आया है कैसे जाएगा कैसे। रहा 9 महीने रहा 9 महीने
और तू जिस मकाम और किराया तू उसे का चुकाएगा कैसे। नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, जो किसी पर कीचड़ उछाल देते हैं, नहीं पा सकते कभी अपनों से वो इज्जत, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ये हमारे पन्ना से पधारे श्री रामेश्वरी लोधी साहब, मेला उत्सव समेत कीर्तन मंच हरीरा की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आई हैं, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो मैं इस बात को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सुने। अरे रहा 9 महीने चुकाएगा कैसे, तू आया है कैसे जाएगा कैसे, आया है कैसे जाएगा कैसे, आया है कैसे जाएगा कैसे। मालिक ने हमें आपको जल मिला। अगर बिजली का पंखा चलेगा जरूर किराया मांगा जाएगा, अगर प्रकृति की हवा चलेगी तो कोई बिल नहीं आएगा, अगर टंकी का पानी नगर पालिका सप्लाई देगी तो पेमेंट जरूर लेगी, लेकिन अगर बोर करा लेंगे तो मिस्त्री पैसा लेगा लेकिन धरती माता आपसे पैसा नहीं मांगेगी। सुने साहब, मुफ्त में दी हवा, मुफ्त में जल मिला, हर समस्या के पहले तुझे हल मिला, भाई लगाया बगीचा लगाया अरे दादे दादे ना, बिना माँ के घर ये माँ के घर ये सुघर मिल गया है, ऐसा सुघर घर बनाएगा कैसे। जन्मदात्री ने जन्म दे दिया, एक माँ ने जन्म दिया, एक माँ ने अपना आंचल फैला के तुझे अपनी गोदी में समेट लिया। तो मेरी लाइन कह रही है, बिना माँ के घर ये, बिना माँ के घर ये सुघर मिल गया है, तो ऐसा सुघर घर बनाएगा कैसे, तू आया है कैसे
ये 100 रुपए हमारे लिए, 100 रुपए हमारे बड़े भाई के लिए, हमारे बड़े भाई की तरफ से आदरणीय तिवारी जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है। सादर चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। और ये एक से एक पत्र मुद्राएं परमादरणीय भैया श्री किशन लाल जी विश्वकर्मा लाइल मैन साहब आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, नमन बंधन है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित है। साथ ही साथ आदरणीय हमारे श्री सुरेंद्र पांडे जी उप सरपंच हैं पगरा अमानगंज जनपद पन्ना, जो स्वयं में कलाकार हैं, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं। और ये बहुमूल्य पुरस्कार मथुरा प्रसाद जी प्रजापति, आप ना टाइटल लिखते हैं विचित्र, छोला मंदिर भोपाल की तरफ से ये पुरस्कार आया है, तो मैं हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। दाराना और पढ़ दूं, अरे तू तो है दम रहा, अरे तू तो हर दम रहा, रे तू तो हर दम रहा, सानी जो चाहते हो सानी नहीं मिलेगी, जो अक्षराम में था कहानी नहीं मिलेगी, पत्थर से नारी बनना ये भी कमाल था, सागर पे सेतु बनना ये भी कमाल था, पर्वत उठा के लाना ये भी कमाल था, पाली का पद भी होना ये भी कमाल था। तू तो है तम रहा, जय हो। तू तो हर दम रहा माल की ताल में, ए तू तो है दम रहा माल की ताल में, खूब पैदा किया धर्म की आल में, जय हो। तो गिनता रहा सारा ये धन जिंदगी भर, भैया तिवारी जी ये लाइन सुने आप, कह रहा हूं अरे तू गिनता रहा सारा ये धन जिंदगी भर, और गुनाहों को अपने एक ना एक कैसे, तू आया है कैसे जानेगा कैसे,
पेश कर रहा हूं। क्या करें, समंदर की इस बेवसी पर रहम आता है क्योंकि कोसों दूर तक फैला है लेकिन बह नहीं सकता। एक साहिल आदमी का हाल तो देखो, कहना बहुत चाहता है मगर कह नहीं सकता है, समय की समस्या है। बहुत अच्छी संगत मिल रही है, बहुत अच्छे लोग, हमारे मतलब के लोग हैं। जवाबी कीर्तन तो गाता हूं, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन संगीत के लोग जो मिले बहुत अच्छे, जो मेरे मतलब के लोग हैं। जय हो जय हो जय हो। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई। एक बड़ी मजबूत बात कहने जा रहा हूं। क्या? अरे झूठी सौरत तेरी और यार झूठा तेरा, और झूठी इज्जत तेरी प्यार झूठा तेरा, अगर प्रभु ने आंखें, अगर प्रभु हो ने आंखें, अगर प्रभु ने आंखें तेरी छीन ली तो, और दुनिया से आंखें ये पिलाएगा कैसे। सबसे अनमोल रत्न है ये दो आंखें, धन बहुत है दिखाई नहीं पड़ता है, सुंदरता बहुत है दिखाई नहीं पड़ता है। क्या मतलब है, 20 तक चलते हैं आंखें नहीं है, क्या मतलब पड़ता है। तो मैं अंतिम बात ये पेश कर रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाइयों कलाकार भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि सादगी से गीत जी के देखिए, बहुत आनंद मिलता है। और आज मैं जब मैं लड़कपन में था तब पटेरिया जी के चरणों में मैं आया और मैंने उनके सानिध्य में 35 साल गुजार दिए। आज 2 वर्ष का ही साथ छूट गया तो मैं कह रहा हूं, अगर प्रभु ने आंखें, अगर प्रभु ने आंखें तेरी छीन ली तो इस दुनिया से आंखें मिलाएगा कैसे। तू आया है कैसे और जाएगा कैसे, आया है कैसे जाएगा कैसे। अरे ना हारा। सभी को